नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आप किसी के लिए कितना ही अच्छा कर लो, दुनिया में आपका कोई एहसान नहीं मानेगा। क्यों, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही समझदार कुत्ता होता है, तो वो जाता है शॉपिंग करने के लिए दुकान में, तो गले में उसके पट्टी बंधी रहती है। वो जाता है और बकेट में बहुत सारी चीज़ें डाल लेता है जो गले में बांध के रखता है, सामान खरीदता है और मालिक के पास जाके, जो दुकान का मालिक होता है, अपना बैग आगे करके दिखाता है तो उसमें पैसे होते हैं, तो जो दुकानदार होता है वो पैसे निकालता है और कुछ जो बच जाते हैं बिल सहित उसके बैग में डाल देता है। तो फिर वो सोचता है ये कुत्ता तो बहुत ही समझदार है, ये किसका कुत्ता है। तो अपने नौकर से बोलता है इस कुत्ते का पीछा करो, ये किसका है। तो जब वो उस कुत्ते का पीछा करता है तो वो बस में चढ़ता है कुत्ता, तो वो नौकर भी पीछे पीछे बस में चढ़ जाता है। तब देखता है वो कंडक्टर को भी बैग दिखाता है ये कुत्ता आगे बढ़ के कि इससे पैसे निकाल लिए जाए, तो वो कंडक्टर उससे पैसे निकाल लेता है बैग से और टिकट उसके बैग में डाल देता है कुत्ते के। तब वो देखता है यार साला बहुत ही समझदार है ये। तो फिर वो कुत्ता उतरता है बस से और मालिक के दरवाजे पे पहुंचता है और घंटी बजाता है। तो वो सोचता है यार कितना समझदार कुत्ता है, पूरी शॉपिंग भी कर लिया, बस का टिकट भी ले लिया, इतना अच्छा हमने तो कभी सुना ही नहीं कि इतना समझदार भी कोई कुत्ता हो सकता है। तब मालिक निकलता है अंदर से छड़ी निकाल के और उस कुत्ते की जम के पिटाई करता है, बहुत बुरी तरह मारता है, बोलता है हरामखोर, घर की चाबी नहीं ले जा सकता था जाते वक्त, तूने मुझे परेशान कर दिया और जगा दिया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी मालिक हो उसके लिए आप कितना भी अच्छा कर लो वो आपका एहसान कभी नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो इस कहानी से ये समझ में आया कि आप खुद के लिए जियो और आप कितना भी अच्छा कर लो तो भी आपको भलाई नहीं मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।